नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मलिक मुंबई यूट्यूब चैनल पर। मैं बुलेट दुबई आपके लिए लेके आया हूँ आईपीएल का मैच नंबर 56। तो गाइज कल का दिन बहुत ज़बरदस्त रहा अपना, बढ़िया विनिंग हुई अपनी। तो वीडियो पूरा देखा करो, बिल्कुल भी स्किप मत किया करो दोस्तों। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया भाई, पहले तो चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी आप लोगों के लिए। तो फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लो, फाइनल अपडेट आप लोगों को वहीं पे मिलता है। तो गिव अवे के लिए मोस्ट रन, मोस्ट विकेट और मैन ऑफ द मैच, तीन क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट में कर दो। जिसको आंसर सही होगा उसको कैश गिव अवे मिल जाएगा। नीचे कमेंट किया करो, बिना कमेंट किए आपको गिव अवे मिल नहीं सकता। बाकी अब फर्स्ट कमेंट के लिए भी कल वाली वीडियो से सबको गिव अवे मिलेगा। तो दोस्तों अब करते हैं रिसेंट फॉर्म की बात दोनों टीमों की। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की टीम 5 में से 3 मैच जीत चुकी है पिछले 5 मैच में से। राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछला मैच हार करा रही है, 5 में से 4 मैच जीत चुकी है। बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है राजस्थान रॉयल्स की टीम, बॉलिंग भी बढ़िया फॉर्म में है इनकी। तो दिल्ली के लिए आज मुसीबत बनेगी राजस्थान की टीम, पिछला मैच हार कर भी आ रही है तो आज का मैच ये जीत कर फर्स्ट पे जाना चाहेगी। अगर इस स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ का जो आउटफील्ड है काफ़ी फास्ट है और बाउंड्रीज यहाँ की छोटी है, इस वजह से यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट सेट होते हैं। इस साल 3 मैच हुए हैं यहाँ पर, तीनों मैच में 220 प्लस के टारगेट बने हैं इस ग्राउंड पर। यहाँ पे टर्न काफ़ी तेज़ होती है बॉल, जैसे ही मैच आगे बढ़ता है फिर थोड़ी स्लो जाती है। स्पिनर्स को बढ़िया हेल्प मिलती है यहाँ पर, तो स्पिनर्स को आप टीम के अंदर रख सकते हो, स्पेशली स्पिन ऑलराउंडर जैसे अक्षर पटेल, तो उनको टीम के अंदर ज़रूर रखना आप लोग। बाकी राजस्थान के जो प्लेयर्स हैं एक दो स्पिनर्स को बढ़िया खेलते हैं, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन यहाँ पे बढ़िया पॉइंट देके जाते हैं, तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन उनको टीम के अंदर ज़रूर रखना है। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आप उनको ट्राई कर सकते हो, हाई स्कोरिंग मैच होते हैं इस वजह से। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस ग्राउंड के कुछ वेन्यू स्टेट की। तो टोटल 89 मैचेज खेले गए हैं यहाँ पर, उसमें बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 41 मैच और बैटिंग सेकंड ने जीते हैं 45 मैच, यानी इक्वली है लगभग, कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं है यहाँ पर। एवरेज स्कोर यहाँ का 168 रन है, बढ़िया स्कोर यहाँ पे बनते हैं। लास्ट 10 मैच में गिरने वाली विकेट की हम बात करते हैं, 115 विकेट गिरे हैं, उसमें पेसर को 56 विकेट और स्पिनर को 59 विकेट मिले हैं, यानी स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा विकेट मिलते हैं यहाँ पर। अगर लास्ट 10 आईपीएल मैच की स्कोरिंग पैटर्न की हम बात करें तो 200 इस साल 3 मैच हुए हैं जिसमें 257 बना, एक में 224 और एक में 266, तीनों टारगेट डिफेंड हुए हैं और तीनों टारगेट 220 प्लस बने हैं, हाई स्कोरिंग मैचेज हो रहे हैं पूरे। इससे पहले ये पिछले साल के मैचेज है जिसमें 162, 172, 127 ज़्यादातर टारगेट चेज हैं। 197 डिफेंड हुआ, 167 डिफेंड, 223 डिफेंड, यानी हाई स्कोर डिफेंड होने के हाई चांसेज रहते हैं यहाँ पर। और इस साल तो आज भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हाई स्कोर होगा इस मैच में। अगर दिल्ली के प्लेयर की रिसेंट फॉर्म के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी शो आउट ऑफ फॉर्म है, इस साल बिल्कुल भी नहीं चल रहा, बाकी आज चल सकता है ये, पर इसकी जगह आज हाई चांसेज है कभी डेविड वॉर्नर खेलेगा। मैं खलील अहमद की बात करूँ तो खलील अहमद बढ़िया फॉर्म में है। दोस्तों खलील अहमद बढ़िया चॉइस है आज के मैच के लिए। कुलदीप यादव इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया विकेट निकाल रहा है, 2 मैच में बहुत शानदार विकेट निकाले थे इसने, तो आज भी ले सकते हो आप इसको। स्टप की बात करूँ तो स्टप को आज ज़रूर लेना है टीम के अंदर। अक्षर पटेल भी मस्ट पिक प्लेयर है आज वाले मैच के लिए, रन भी बनाएगा और विकेट भी निकाल जाएगा एक तो आराम से। ऋषभ पंत बढ़िया विकेट कीपर है और रन भी बना रहा है इस साल, तो टीम के अंदर ये भी सेफ चॉइस है एक। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो अश्विन बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, टीम के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। सिमरन एटमायर की बात करूँ तो कोई खास फिनिशिंग दे नहीं रहा, नीचे आता है खेलने, बैटिंग भी नहीं आ पाती, तो ये भी रिस्की है, इसको मत लेना। आवेश खान की बात करूँ तो हर मैच के अंदर विकेट निकल रहा है, एक विकेट कम से कम, तो स्मॉल लीग के लिए और ग्रांड लीग के लिए दोनों के लिए सेफ प्लेयर है। बोल्ट की अगर बात करो तो पिछले मैच में इसको विकेट नहीं मिला था, बाकी ज़्यादातर मैच में ये एक विकेट तो आराम से निकाल लिया जाता है, तो इस मूल्य के लिए तो पूरी तरह से सेफ प्लेयर है, ले सकते हो बोल्ट को आप। यजुवेंद्र चहल तो आज वाले ग्राउंड पे स्पिन को थोड़ी सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे आपको चहल को ज़रूर ट्राई करना है भाई, राजस्थान की तरफ से स्पिनर सेक्शन में बढ़िया चॉइस है एक नंबर। यशस्वी जायसवाल की बात करो तो पिछले 3 मैच से शानदार फॉर्म में है, बढ़िया रन बना रहा है हर मैच के अंदर, तो इसको भी आप इस मूल्य के लिए तो ज़रूर रखना। बटलर की बात करूँ तो पिछले 2 मैच से फ्लॉप है, आज चलेगा ये, तो टीम के अंदर इसको ज़रूर रखना है, मस्ट बी प्लेयर है भाई बटलर मेरी तरफ से। रियान पराग और संजू सैमसन दोनों को टीम के अंदर रखना है, बिल्कुल मिस मत करना इन दोनों को, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इन दोनों में से ट्राई कर सकते हो। अगर राजस्थान की तरफ से बात करूँ इंपॉर्टेंट में, सैमसन चहल पराग 3 की प्लेयर है, इसमें आप बटलर को भी ऐड कर सकते हो, रिस्की में मैंने बोल्ट को रखा है। और दोस्तों आवेश खान एक बढ़िया चॉइस है राजस्थान की तरफ से, फास्टर में स्मॉल लीग हो या ग्रांड लीग, आवेश खान को ज़रूर लेना आप लोग।
और बटलर को टीम के अंदर ज़रूर रखना, मिस मत करना। तो इन प्लेयर्स को ज़रूर रखना आप लोग। दिल्ली की तरफ से बात करो तो मैग्रू, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल तीन की प्लेयर हैं, ड्रीम टीम के अंदर आपको मिलेंगे, बिल्कुल भी मिस मत करना इस स्मॉल लीग के लिए। तो इनको रिस्क में मैंने खलील अहमद को रखा है, वैसे खलील अहमद बढ़िया चॉइस है फास्टर में, स्टप को भी आप ले सकते हो। और दोस्तों कुलदीप यादव को ज़रूर लेना टीम के अंदर, ये विकेट लेके जाएगा। बाकी अगर मैच विनर प्रेडिक्शन की मैं बात करूँ तो आज का मैच राजस्थान जीतेगा, पर ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, फाइनल अपडेट नहीं है। पिच रिपोर्ट में और भी कुछ चेंजेज हुआ अगर तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे मैच टाइम पर।